हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा होम गार्डनिंग का वीडियो है। मैं आपके साथ आज मेरा ड्रैगन फ्रूट प्लांट का प्रोग्रेस का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। ये करीब आपका 3 साल का प्लांट है। मैंने ये पौधा नर्सरी से लाया था। नर्सरी से लाते वक्त उन्होंने कहा था कि 1 ही साल में फ्रूटिंग देगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसमें एक्चुअली नर्सरी वालों का गलती नहीं है, गलती मेरा ही है, क्योंकि मैंने इस प्लांट को अच्छे से केयर नहीं किया था और ऐसे ही रख दिया था। रीज़न बहुत सारे थे, घर के शिफ्टिंग वगैरह और जॉब को लेके भी झमेले के चलते हुए मैं नहीं केयर कर पाया। फिर जब इस इधर आके शिफ्टिंग किया घर का, तो इस पौधा को भी मैंने लाके इनिशियल स्टेज पे इसी में था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं बना था। जो आपको ये सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है, ये सपोर्ट सिस्टम नहीं बना हुआ था, ऐसे ही लगा हुआ था। और ये बम्बू था, लेकिन ये आपका बर के इस तरफ गिर रहा था। बहुत ही ख़राब कंडीशन में था प्लांट। फिर मैंने ये सपोर्ट सिस्टम बनाया, देख सकते हैं आप। ये सपोर्ट सिस्टम, ये फ्रूट बास्केट बड़ा वाला, ऐसा आपको फ्रूट बास्केट मार्केट में मिल जाएंगे। ऐसा एक मिलता है इस साइज़ का, और इस साइज़ का एक मिलता है छोटा वाला। छोटा वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसके लिए बड़ा वाला ठीक है। प्लांट बहुत बड़ा होता है और बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। तो इस पौधा को कैसे केयर करना है, उसके बारे में हम लोग किसी अगले दिन वीडियो बनाएंगे। आज एक खास मकसद है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वाला आपका फ्रूट बास्केट में मैंने लगाया पौधा, और एक घर में कुछ पुराने बेम्बूस थे, उससे मैंने ये सपोर्ट सिस्टम बना के इसमें लगा दिया। देख ही सकते हैं आप, नीचे फिर इसमें होल करके लगाया गया है ऐसे, ताकि ना निकले, और ऊपर में ऐसे बांध दिया गया। काफ़ी स्टडी हुआ है, लेकिन इवेंचुअली आगे चल के मुझे इसको रिप्लेस करना होगा। मैं कोई आयरन वाला रॉड वाला सिस्टम से इसे रिप्लेस कर दूंगा। तो आज के वीडियो बनाने का मकसद है कि मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुआ है। फ्लावरिंग को मैं दिखाऊंगा। टोटल अभी तो फिलहाल 3 ही फ्लावरिंग आए हैं। देखिए, ये वाला एक है, फिर आपको इधर एक मिलेगा, इस तरफ एक, यह फर्स्ट वन, यह सेकंड वन, और ऊपर तरफ एक है, दिखाऊंगा, ये रहा थर्ड वन। तो ये काफ़ी सारे मैच्योर ब्रांचेस है, ये नए ब्रांचेस पे नहीं आए। तो मैंने क्या किया था कि फ्लावरिंग आने के लिए, सबसे पहले जब गर्मियों के सीज़न का शुरुआत हो रहा था, तब मैंने अच्छे से मिट्टियों की गुराई कर दी थी। मैंने मिट्टी की गुराई करके फिर इसमें एप्सम सॉल्ट डाला गया था, और कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह भी दिया था मैंने। अच्छे से मिट्टी को पोषक बना दिया था। पोषक बनाने के बाद न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो गए थे, बीच में केयर लेना बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने टिपिंग करने के बाद ही ये आए। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन में रिसर्च किए थे, खोजे थे कैसे फ्लावरिंग आते, क्या आते।
तो देख ही सकते हैं आप कि कोई दूसरा जगह में नहीं आया, और भी दूसरे मेच्योर ब्रांचेस है इधर में, लेकिन आपको सिर्फ टिपिंग करने वाले जगहों में फ्लावर मिलेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ इधर में नहीं आया है, लेकिन इधर में देखिए आप ज़रूर देख सकते हैं, इस वाला में आया, इस वाला में भी आया, और सब टिपिंग वाले ब्रांचेस है। देखिए सब टिपिंग वाले ब्रांचेस है और सब मेच्योर ब्रांचेस है। इसमें भी किया था लेकिन इसे ब्रांच आ गया, नया एक फ्लावरिंग नहीं आया। तो अभी तो फिलहाल यही अपडेट है, फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं, मैंने तो होप छोड़ ही दिया था, लेकिन बहुत सारे वीडियोस को देखने के बाद रैंडमली आए थे मेरे यूट्यूब में रिकमेंड हो, तो देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं उसको रिवाइव करता हूँ इस प्लांट को, तो मैंने रिवाइव किया है इस प्लांट को। फिलहाल तो 3 फ्लावर दिए हैं, अभी आगे जाके देखा जाएगा क्या होता है, आशा है और भी आएंगे, लेकिन इस मौसम आएंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं। बहुत सारे सीडलिंग्स भी इससे, सीडलिंग्स तो नहीं, मैंने ब्रांचेस जो है काट काट के नए पौधे तैयार करने के लिए मैंने रखे, वो दिखाता हूँ आपको। बाकी कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे तैयार करना है, मैं उसको डिटेल वीडियो बना दूँगा। ये देखिए बहुत मैंने दे भी दिए मेरे दोस्तों को, इधर में बहुत सारे ब्रांचेस मैंने कटिंग करके रखे हैं स्ट्रॉबेरी के पौधे, उसमें भी वीडियो बनाऊँगा बाद में। ये वाला देखिए, इसका कांटे बहुत तेज़ होते हैं, इसका गिर रहा है, इसको मैं सपोर्ट दूंगा बाद में, ये तो फिलहाल नहीं हो सकता समय, तो कल परसों मैं इसे ठीक करने का कोशिश करूँगा। और मैं अपने टेरेस को गार्डन में कन्वर्ट करने का मेरा प्लान है, उसमें मैं आगे चल के वीडियोस भी बनाऊँगा। ये पौधा भी मुझे ठीक ठाक कंडीशन में लग रहा है, इसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। क्या व्हाइट वाला क्या आया था मुझे पता नहीं, शायद आपका ये हो सकता है पोट ही हो सकता है पक्षियों का, लेकिन कॉपर रस्ट वगैरह बाकी बीमारी आते हैं, लेकिन मेरे इधर में तो मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी पता नहीं ये कॉपर रस्ट है कि नहीं, मुझे तो लगता है ये बूढ़ा बूढ़ा ब्रांच है, मेरी ओल्ड ब्रांच होने से शायद ऐसा हो जाता है, ये पहले से ही था। और बाकी कोई ख़राब लक्षण मुझे नहीं दिख रहे मेरे पौधे पे, नए नए ग्रोथ चालू है। ये वाला मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 तारीख है जून के महीने का, और मुझे टिपिंग किए हुए करीब करीब 1.5 मंथ्स हो गए। मैं बाकी जो अपडेट है उसको एक वीडियो पूरा बनाऊंगा कि कैसे केयर करना है आपको, कैसे क्या नहीं करना है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये फ्लावरिंग के बारे में शेयर करना चाहता था, तो आगे जाके बाकी कौन से पौधे पे वीडियो चाहिए या फिर इस पौधे पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट्स में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा मेरे बिजी शेड्यूल से छुटकारा मिलके वीडियो तक ही बनाया जाए। बाकी बहुत सारे पौधे हैं मेरे घर पे, मैंने लाए, धीरे धीरे शिफ्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस काम वगैरह भी हो रहे हैं। और इस पौधे को सनबर्न हो गया है, तो फिलहाल उसी से बचाने का प्लान है, देखेंगे काम करना है, अपडेट देते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है, चलिए।